नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू राधास कलिनरी। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेश मेथी की हेल्दी मटरी, जो खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हम फ्रेश मेथी से बनाएंगे। आज तो सीजन में मेथी बहुत ज्यादा आ रही है, तो इसलिए हम इसे फ्रेश मेथी से बना रहे हैं। इसके लिए हमें जो चीज चाहिए पहले हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक कप गेहूं का आटा लिया है, एक कप मैदा है, 1/4 कप सूजी है, ये 1/2 कप फ्रेश मेथी की लीव्स है, इसको हमने अच्छे से पतला काट के और धो लिया है। ये 1 टीएसपी अजवाइन, 1/2 टीएसपी काली मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद के अकॉर्डिंग, 2 चम्मच देसी घी और तलने के लिए तेल है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें हम सबसे पहले गेहूँ का आटा, मैदा, सूजी, अजवाइन, काली मिर्ची का पाउडर, नमक स्वाद के अकॉर्डिंग डालें आप। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो। और इसमें हम घी डाल रहे हैं, घी यहाँ पे मोइन देने के लिए, जिससे कि हमारी जो मटरियाँ हैं वो खस्ता बने। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। हमने इसको मिक्स कर लिया है, ये शेप होल्ड कर रहा है। इस समय हम इसमें अपनी मेथी डाल देंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से। थोड़ा थोड़ा इसमें हम पानी डालेंगे। यहाँ पर हमें इसका एक सख्त आटा गूंथना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालें एक बार में, इकट्ठा न डालें। अब हमारा डो एकदम तैयार हो गया है। इतने डो में हमने 1/4 कप वाटर लिया था, वो पूरा गया है इसके अंदर। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट करने के लिए। उसके बाद हम इसकी मटरियाँ फ्राई करेंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं, हम अपने आटे को चेक करेंगे। इसका हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। अब हम इसको रोल करेंगे। हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं बेला है, इतनी थिकनेस रखनी है हमें इसकी। एक फोक से ऐसे होल्ड कर देंगे, जिससे कि हमारी जो मटरियाँ हैं वो खस्ता बने एकदम। यहाँ पर हमने एक कटर लिया है, कुकी कटर, ऐसे हम इसकी गोल गोल मटरियाँ निकाल देंगे। एक्स्ट्रा हम निकाल देंगे, निकाल देंगे हम इनको। ऐसे हम सारी मटरियों को बेलकर तैयार कर लेंगे। अब हमारी सारी मटरियाँ तैयार हैं, हम इनको कट करके प्रिपेयर कर लिया है। अब हम इनको तेल में फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमारा तेल गर्म है, जो गैस की फ्लेम है हमें लो टू मीडियम रखनी है। आगे करके डालते जाएं, इनको अपने आप ही ऊपर आने दें। ये एक बहुत बढ़िया टी टाइम स्नैक है और मेथी दरने से ये हेल्दी हो गया है। हमने इसमें आटा भी डाला है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी ठंडी हो जाए आप इनको एक एयरटाइट कंटेनर में रख के घर पर रख दीजिएगा, और जब भी चाय बनाएं उसके साथ निकाल के इसको एंजॉय कीजिए। हमें इनको ब्राउन होने तक फ्राई करना है। पलट दें आप इन्हें। अब यहाँ पर हमारी जो मटरियाँ हैं वो फ्राई हो गई हैं, ब्राउन कलर हो गया इनका, इनको हम निकाल देंगे। देखिए एकदम खस्ता बनी है हमारी मटरी जो है। अब हम सेकंड फेज डाल रहे हैं, इनको ऊपर आने दें अपने आप। और अब इन्हें भी हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। अब हमारा सेकंड फेज भी तैयार हो गया मटरी का, इसको हम निकाल देंगे। हमारी सारी मटरियाँ बनकर तैयार हैं, अब हम इनको प्रेजेंट करते हैं। हमने अपनी मटरियों को प्रेजेंट कर दिया है। देखिए ये कितनी सुंदर लग रही हैं, खाने में भी ये उतनी ही टेस्टी हैं। मैं आपको एक खोड़ कर दिखाती हूँ, देखिए कितनी खस्ता बनी है। आप भी इनको ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपने अनुभव कमेंट में शेयर करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बनाते रहिए, खाते रहिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हैप्पी कुकिंग।